बाड़मेर जिले में हरियाल और राजस्थान एक पेड़ माह के नाम गया अभियान के तहत करीब 2 लाख पौधे लगाने का अभियान बुधवार को शुरू हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम बांद्रा ग्राम पंचायत में स्थित वन खंड एवं जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन में आयोजित हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी सचिव सुबीर कुमार, जनप्रतिनिधिगण, धर्मगुरुओं, सेना, BSF और वायुसेना के अधिकारियों के साथ पुलिस के जवानों व विभागीय अधिकारियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान पौधारोपण करने के साथ इन पौधों को पनपाने की शपथ भी दिलाई गई। बाड़मेर में हरियालो राजस्थान एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत एक दिन में 2 लाख पौधे लगाए गए। जिले भर में 16 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी शुरुआत बुधवार को प्रभारी सचिव सुबीर कुमार ने बांद्रा और पुलिस लाइन में की। पौधों की देखभाल के लिए जियो टैगिंग करवाई जा रही है। प्रभारी सचिव ने कहा कि हर इंसान को पौधे लगाने चाहिए, साथ ही उन पौधों की देखरेख भी करनी चाहिए। बुधवार को जिले के प्रभारी सचिव सुबीर कुमार बाड़मेर पहुंचे। प्रभारी सचिव ने सबसे पहले जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्राम पंचायत बांद्रा में वन खंड एवं जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन में पौधरोपण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर निशांत जैन, SP नरेंद्र सिंह मीना, जिला प्रमुख महेंद्र सिंह चौधरी, चौटन विधायक आदुराम मेघवाल, बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और कई साधु संत मौजूद रहे। वहीं जिले भर में ग्राम पंचायत, स्कूलों, सरकारी विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी पौधरोपण किया। जिले भर में एक ही दिन में 1,96,140 पौधे लगाए गए। इसके साथ ही उन पौधों को जियो टैगिंग की गई। जिले के प्रत्येक सरकारी परिसर, खेल मैदान में पौधरोपण करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट स्कूल परिसरों के साथ साथ चारागृह, राजकीय भूमि, निजी खातेदारी भूमि और सड़क किनारे और गाँव में सार्वजनिक स्थलों पर भी पौधरोपण किया गया। इस अभियान के तहत जिला स्तरीय और खंड स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन कर अतिथियों का स्वागत सत्कार भी किया गया। मैं पुनः जिले के प्रभारी सचिव है। पर हरियाल राजस्थान की थीम के अंतर्गत पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा अभियान आज चल रहा है, और जो पूरे बरसात के सीजन में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान है एक पेड़ माँ के नाम, उसके अंतर्गत पूरा अभियान चल रहा है। और आज विशेष अभियान पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है। इसी तरह गुड़ामलानी में बुधवार को हरियाली तीज के मौके पर एक पौधा माँ के नाम अभियान का आगाज हुआ। इस दौरान उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा, विकास अधिकारी हरमन विश्नोई, सहायक विकास अधिकारी अशोक गोड़, ग्राम विकास अधिकारी दादू राम विश्नोई सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों महिलाओं ने उपखंड परिसर में पौधरोपण कर अभियान का आगाज किया। इस दौरान भाजपा नेता राणा कुलदीप सिंह, मंडल अध्यक्ष बाबूलाल मांझू, भरत जैन, एडवोकेट चंद्र प्रकाश सहित कई लोग मौजूद रहे। इसी प्रकार सेडवा उपखंड मुख्यालय पर आयोजित हुए कार्यक्रम में तहसीलदार पृथ्वीराज परमार, BSF इंस्पेक्टर फैज आलम, सहायक विकास अधिकारी विजय कुमार, छगनलाल परियार ने भाग लेकर पौधरोपण किया। थान मनाया जा रहा है, जिसमें सभी जो नागरिक हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी सरकारी कार्मिक हैं, अपने अपने जगहों पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जलवायु परिवर्तन, हमारे यहाँ पे जो भी जलवायु परिवर्तन से जो दुष्परिणाम और नकारात्मक चीज़ें सामने आती हैं उनसे हमें बचा जाए, और यहाँ की जो बरसात है, यहाँ की जलवायु है, कैसे हम अधिक अनुकूल बना सकें और कैसे हम पेड़ों के प्रकृति के प्रति अपना एक प्रेम प्रकट कर सकें। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत जो भी सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार और प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की गई उसके अंतर्गत मैं खुद एक सरपंच पुत्र के साथ साथ एक सरकारी जॉब में होने के नाते मैं इस भली बात जानता हूं कि सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस गर्मी और हमारे इसमें जो भी एक पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए जो वृक्षों की सख्त आवश्यकता है उसके अंतर्गत आज भारत और पाकिस्तान की सीमा के अंतिम खसरे के अंदर आज पूरे गाँव वालों के सहयोग से एक वृक्षारोपण का बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे अधिकारी लोग भी आए, हमारे स्थानीय कर्मचारी और जनप्रतिनिधि लोग भी आए। ये जलगण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें हमने 2000 से लेकर 2500 पौधे लगाए हैं, और जो सरकार की मतलब 5 साल की योजना है जिसमें हम पौधारोपण कर रहे हैं, और इनकी प्रॉपर पानी वगैरह सभी व्यवस्था है,
और इसमें हमने चौकीदार भी रखे हैं जो इन पौधों की देखभाल करेंगे। इस अभियान के तहत जिला स्तरीय और उपखंड स्तर पर अलग अलग प्रोग्राम का आयोजन हुआ। जिला परिषद के सीईओ सिद्धार्थ पलनी चामी ने बताया कि बाड़मेर पंचायत समिति के मूडो का तला, बाड़मेर ग्रामीण में वन खंड बांद्रा, शेव में खेल मैदान, गडरा रोड में आवासीय विद्यालय जयसिंदर स्टेशन, रामसर में उपखंड अधिकारी कार्यालय, चौटन में रूप वाटिका पंचायत समिति परिसर, धनाऊ में पंचायत समिति परिसर, सेड़वा में ग्राम पंचायत परिसर, फागलिया में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगासरा, धोरीमना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूखू, गुड़ामलानी में उपखंड अधिकारी कार्यालय में पौधरोपण किया गया।